नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एवी मोइल पब्लिक स्कूल सीता समंगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। आज हम नैतिक शिक्षा में पढ़ेंगे पाठ 12 सहनशील दादू। दादू यानी कि संत दादू दयाल। आज हम दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे कि वे कौन थे। दादू दयाल भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने भी कबीरदास की तरह ही जाति पाति का विरोध किया था, भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया था समाज में। जो रीति रिवाज, जो पुराने रीति रिवाज जो चल रहे थे उसको दूर करने का प्रयास किया था। आइए जानते हैं हम सहनशील दादू के विषय में। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत के भक्तों और संतों में दादू दयाल का विशेष स्थान है। कहाँ के? भारत के, हमारे भारतवर्ष के जो भक्त हैं और संतों में दादू दयाल का स्थान बहुत ही उच्च है। वे स्थान स्थान पर जाकर ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे। वे सभी जगह पर जाकर ईश्वर की महिमा का गुणगान करते थे, प्रचार करते थे उनके बारे में। इस प्रकार प्रचार करते हुए वे एक नगर के पास पहुंचकर जंगल में रहने लगे। वहां प्रचार करते हुए एक नगर में पहुंच गए और वहां जो जंगल था वहां रहने लगे। अब दादू का वहां आना सुनकर कितने ही लोग आते और उनके प्रेम भरे गीत सुनते। वहां के नगरवासी जब लोगों को पता चला कि दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी हमारे नगर में आए हैं और जंगल में रहते हैं, तो वहां के लोगों ने उनके पास आना शुरू कर दिया और उनके प्रेम भरे गीत सुनते थे। अपने हृदय में भक्ति का अमृत लेकर वे लौट जाते थे। वे ईश्वर के बारे में ईश्वर की अच्छी अच्छी बातों को और सुनते और वहां से चले जाते। एक दिन नगर के थानेदार ने भी दादू की प्रशंसा सुनी। वहां के जो नगर थे, वहां के जो थानेदार था, पुलिस वाला था, उन्होंने वहां दादू दयाल की प्रशंसा सुनी सबके मुंह से। उसने विचार किया कि मैं भी दादू के पास चलूं, मैं भी जो संत आए हैं उनके पास चलूं और उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने भी दादू दयाल के पास जाने का निश्चय किया। अब वह कैसे गए? वह घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर जंगल में पहुंच गया जहां दादू दयाल रहते थे। काफी आगे जाकर उसने देखा कि एक निधन सा व्यक्ति केवल एक धोती पहने हुए उस जंगल में एक स्थान को साफ कर रहा था। कौन? जो एक निधन सा व्यक्ति था, जो धोती हुआ उसके शरीर में सिर्फ धोती था, उस जंगल में रहता था और वह आसपास जो अपने रहने की जो जगह थी उसको साफ कर रहा था। अब वह कौन? थानेदार। घोड़े पर चढ़े उसने उससे गरज कर पूछा, ओ कंगले, क्या तू जानता है कि दादू भक्त इस जंगल में कहाँ रहते हैं? ऐसा थानेदार ने पूछा। वह व्यक्ति तो चुप रहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसके चुप रहने पर थानेदार को गुस्सा आ गया। उस व्यक्ति के जब उसका सवाल करने पर उत्तर नहीं मिला तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, इसको थानेदार को। वह घोड़े से उतर पड़ा और उसने उसके मुंह पर तड़ातड़ कई थप्पड़ मारे। उस व्यक्ति ने जब उसका सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने क्या किया, घोड़े से उतरा और उसके मुंह पर कई सारे थप्पड़ मारे, बहुत बार उनको मार दिया और गालियां देता हुआ बोला, बात का उत्तर भी नहीं दे सकता? ऐसा थानेदार ने कहा। धूर्त कहीं का, धूर्त अर्थात मूर्ख, चालाक।
वह व्यक्ति फिर भी मौन रहा। उस आदमी के थप्पड़ मारने के थानेदार के थप्पड़ मारने के बावजूद, उसकी गाली देने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस व्यक्ति ने। थानेदार उसके सिर पर जोर से एक ठोकर मारकर पुनः घोड़े पर चढ़ गया। थानेदार ने और क्या किया, उन्होंने गाली भी दी, थप्पड़ भी मारा और सिर पर जोर से एक ठोकर मारकर फिर से घोड़े पर चढ़ गया और यह सोचता हुआ आगे बढ़ गया कि शायद यह गूंगा और बहरा है। उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सोचा कि शायद यह बहुत गूंगा, ये गूंगा बहरा होगा, इसलिए कोई जवाब भी नहीं दिया। थोड़ी ही दूर पर एक और व्यक्ति उसे अपनी ओर मार्ग में आता हुआ मिला। जब वह अपने रास्ते में आगे बढ़ा तो उसे आगे एक व्यक्ति मिला जो इधर ही आ रहा था सामने से। थानेदार ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे हैं, ऐसा उस व्यक्ति ने जवाब दिया। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आप भी आइए, ऐसा उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। थानेदार ने वापस आकर देखा कि जिस व्यक्ति को वह थप्पड़ मारकर और गालियां देकर चला गया था वही दादू भक्त है। क्या देखा उसने, जब थानेदार वापस आया और उन्होंने जिस व्यक्ति को गालियां दी, थप्पड़ मारी और ठोकर भी मारकर आगे बढ़ गया था, वही व्यक्ति कौन निकला? दादू दयाल निकला। पूछो मत फिर अब क्या उसकी क्या दशा हुई होगी। वह दादू के चरणों में गिर पड़ा, उनके चरणों के पैरों में गिर गया और घबराई हुई आवाज में बोला, मैं तो आपको गुरु धारण करने आया था, मैं तो आपका भक्त बनने आया था, आपको ही पीट बैठा मैं, ऐसा थानेदार ने जवाब दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी गलती के लिए उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। दादू हंसकर बोले, घबराते और दुखी क्यों होते हो भाई? एक व्यक्ति घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक पीट कर खरीदता है, तुम तो गुरु धारण करने आए हो, तुम्हारे लिए उचित यही था कि उसे ठोक पीट कर देख लो कि वह कच्चा तो नहीं है, कि वह कच्चा तो नहीं है। भक्तों की बात निराली होती है, उनका जीवन भी निराला होता है, ऐसा दादू दयाल ने थानेदार को उत्तर दिया। जब उसने उनसे क्षमा मांगी तो उसने ऐसा कहा। तो प्यारे बच्चों, ये थी दादू दयाल की कहानी, उन्होंने अपने गुस्से को कैसे अपने वश में करके उस थानेदार को सही जवाब दिया, है ना। तो ऐसे ही आपने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर आपको करने हैं कुछ अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, थानेदार ने दादू की पिटाई क्यों की? इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा, थानेदार को कैसे पता चला कि जिसकी उसने पिटाई की वही दादू है? तीसरा, थानेदार के पछतावे पर दादू ने क्या उत्तर दिया? चौथा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी दादू दयाल की कहानी, सहनशील दादू। अब अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।